Pauwi. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज 13 फरवरी सैटरडे बज रहे हैं सुबह के 7। अभी जा रहा हूँ मैं मुलुंड। चलिए, मुझे सुबह ही ट्रैवल करना पसंद है क्योंकि ट्रैफिक भी कम रहता है, ठंडा रहता है। 45 मिनट से 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। पहले एक मस्त नारियल पानी दो, पतला मलाई वाला। गाइस, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप अर्ली मॉर्निंग ले सकते हो वो है कोकोनट वाटर। और थोड़ी भूख लगे तो उसकी मलाई खा लो। और हर ऑल्टरनेट डेज में कोकोनट वाटर तो पीता है सूरत से आने के बाद। मैं सीधा निकलता हूँ, वहीं जाके नाश्ता करूंगा। तो सीधा आप लोग से कहीं तो मिलेंगे के लिए। राइड भी अगर आप निकलते हो तो अर्ली मॉर्निंग निकला करो ताकि धूप पे ना निकलना पड़े। और अभी उन पहाड़ों के पीछे ना सनराइज होने ही वाला है। शायद मैं हाईवे पे रहूँगा तब होगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनराइज होगा। लास्ट टाइम मैं जब मुलुंड गया था तब बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही थी। जाते टाइम तो नहीं बट आते टाइम आ रही थी। वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लो। गाइस, जस्ट अभी हाईवे पे पहुंचा हूँ तो अपना हेलमेट वगैरह पहन लिया। अभी सीधा निकलता हूँ, अभी कहीं नहीं रुकूंगा। नॉन स्टॉप सिर्फ 27-28 किलोमीटर्स ही है मुलुंड। चलो फिर अभी सीधा आपको बिल्डिंग में जाके मिलता हूँ। सिर्फ 40 मिनट्स लगे मेरे को आने में क्योंकि पूरा रोड खाली था। अभी हो रहे 8:30। अभी घर जाके अपना नाश्ता वगैरह करूंगा, फिर ऑफिस का काम करने बैठूंगा, सीधा आप लोग से शाम को मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज द नेक्स्ट डे। एक्चुअली कल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था काम की वजह से, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और शाम को बैठ के एक एडिटिंग कर रहा था व्लॉग की, रिटर्न होम वाला लास्ट व्लॉग ऑफ द विलेज सीरीज। तो वो अभी अपलोड जस्ट डाला है और बज रहे अभी 7। अभी जा रहा हूँ मैं कहीं फ्लेमिंगो करके जगह है, थाने या एरोली साइड कहीं पर तो है, नेचर के एकदम करीब वाली जगह है। पानी है, फॉगी वेदर। तो जल्दी जाना था 6:30 बट हो गए 7। तो अभी जस्ट निकलता हूँ, वहाँ से एक जन को पिक करना है, फिर भांडुप से 2 लोग आ रहे गाइज। दिस इज़ अ प्लेस, ये नवी मुंबई में एरोली में आता है। हम लोगों को सिर्फ 15-20 मिनट्स लगे यहाँ पर आने में मुलुंड से। एक्चुअली हमको लेट हो गया, सनराइज यहाँ से देखना था बट लेट हो गया। और रास्ते में आपने देखा ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनराइज था। और जो लोग नहीं आ रहे थे वो भी आ गए। और यहाँ पर 50 रुपीज़ एंट्री चार्जेस है। पहले एंट्री चार्जेस देना पड़ता है, उसके बाद अंदर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। और खाड़ी जैसा पार्ट है बट बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनाया हुआ गार्डन टाइप है। फ्लेमिंगो इसका नाम है, आप गूगल भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा एरोली में। गाइस, दिस इज द ग्रुप जिनके साथ आया हो, कुत्तों के साथ। भाई इसकी तो फट रही है कुत्ते से और बाकी लोग मजे कर रहे हैं। गाइज, वहाँ से स्ट्रेट गए तो कुछ नहीं था, सिर्फ एंड था पोर्ट का। यहाँ से रास्ता है, यहाँ पर एक मैंग्रोव ट्रेल का रास्ता है और यहाँ से हमको शायद तक एंड से, ये लोग पहले आ चुके हैं, मैं फर्स्ट टाइम है, फ्लेमिंगोज देखते हैं। तो इसके लिए इसका नाम है फ्लेमिंगो। गाइज, उस दिन जब ये लोग आए थे तब बहुत ही फॉगी वेदर था यहाँ पर, एकदम ऐसे दिख ही नहीं रहा था। आज तो फिर भी बहुत खुला खुला हो गया, जल्दी आओगे थोड़ा फॉगी वेदर दिखेगा। और ये साइड में पूरा सा ना, यहाँ पर बारिश के टाइम पानी रहता है, ये मैंग्रोव है। और ये ब्रिज बनाया हुआ है लकड़ी का चलने के लिए। फिर एंड में जाके वहाँ से फ्लेमिंगोज दिखेंगे, जो ऐसा समुद्र का किनारा है या जो भी आप बोल सकते हो, जो भी समझना है। अभी जाएंगे तो देखते हैं, थोड़ा सर्वर बचा के चलो, पेड़ वेड़ ना लग जाए। गाइज, बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, 8:30 हो रहा है। मेरा भाई है वीरल, बहुत ही डिसेंट सी प्लेस है, आके वॉक वॉक कर सकते हो, सुबह चिल मार सकते हो और फ्लेमिंगोज का नज़ारा ले सकते हो। वैसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं वहाँ पर फ्लेमिंगोज का फोटोज़ लेने के लिए। ये लोग लास्ट टाइम जब आए थे पानी काफ़ी आगे तक था, फ्लेमिंगोज उड़ भी रहे थे बहुत सारे। आज तो एकदम स्टेबल थे, बैठे हुए थे, लेकिन काफ़ी सारे थे। देखने में, ऑब्जर्व करने में बहुत मज़ा आया। कभी कभी ऐसे नेचर से कनेक्ट करना है ज़रूरी। सन आ चुका है, अभी जाके कुछ खाएंगे। हाय गाइस, ये हमारे ग्रुप के स्पेशल पर्सन, इनका नाम है अरुण यादव। इनका एक ही काम है ग्रुप में सबको हंसाए रखना। Yeah, bro. Yeah. क्या चालू अरुण? पार्टी चालू, पार्टी। पावरी, पावरी। पावरी चालू।
₹50 ना कम्प्लीटली वर्थ है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई आर्ट गैलरी टाइप बनी हुई है जिसमें अलग अलग बर्ड्स के बारे में बताया हुआ है और यहाँ पर अपने मुंबई का मैप बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छा है, जैसे ये फ्रॉग है ना, तो अगर इसको प्रेस करोगे फ्रॉग का आवाज आएगा। ये फिश है, गाइस ये जो चीज़ है ना बहुत अच्छा है। बचपन में अगर आपको याद होगा कैमरे से ऐसे घुमा घुमा के जूम करके हम देखते थे ना, और उसमें सामने इमेज बड़ी सी दिखती थी, तो इसमें भी कुछ इस तरह से यहाँ से आप घुमा के आँख लगा के देख सकते हो। दिस इज द नेक्स्ट रूम, यहाँ पर भी बहुत सारे क्रिएचर्स के बारे में ऐसा बताया हुआ है, जो आप ऐसे टर्न अराउंड करके उस क्रिएचर का फोटो देख सकते हो, उस क्रिएचर या एनिमल के बारे में पढ़ सकते हो, बहुत सारी स्पीशीज के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है। पूरा ऑडियो विजुअल तरीके से बनाया हुआ है, 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए फ्री है और उसके ऊपर के लिए कुछ ₹25 चार्ज है। कम से कम अपने स्कूल के किड्स को, अपने बच्चों को जरूर लेके आओ यहाँ पर, क्योंकि एक गेम के जैसे बनाया हुआ है, तो उनको बहुत ही मजा आएगा। ये सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉलेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी। कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र, कितने सारे अलग अलग स्पीसीज है हमारे महाराष्ट्र में, सारे इधर बताया हुआ है। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ गेम, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अपने बच्चों को लेके आओ, मजा आएगा उनको। एंड दिस इज द नेक्स्ट रूम, यहाँ पर भी बहुत कुछ है, यहाँ पर भी ये गेम है और ये टेबल है, काफी इनोवेटिव तरीके से बनाया हुआ है। गाइस मैं तो कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को लेके आओ, लेकिन हम बड़े भी यहाँ के बच्चे बन जाते हैं, ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग इतनी बार आए लेकिन यहाँ पर अंदर कभी भी नहीं आए थे, सिर्फ बाहर से फ्लेमिंगोज देख के चले जाते थे। जब भी आप आना चाहो, एरोली में है, नवी मुंबई में है, फ्लेमिंगो जगह का नाम है, गूगल सर्च कर लो, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की है, सिर्फ ₹50 चार्जेस है, इट्स ऑल वर्थ इट। बहुत सारी नॉलेज आप यहाँ से और बहुत सारी खुशियाँ आप यहाँ से लेकर जाओगे। दिस इज द ऑडियो विजुअल रूम, मुझे लगा था बंद रहेगा बट ये चालू है, ये लोग बैठे हैं और वहाँ पर आप देख सकते हो। ये लोग सीरियसली लेते ही नहीं है। दिस इज द सेकंड हॉल, बाजू वाला हॉल है, यहाँ पर आर्ट गैलरी नहीं है लेकिन यहाँ पर टर्टल्स और फ्लेमिंगोज के स्टैचूज बने हुए हैं। यहाँ से फ्लेमिंगोज हम लोग को दिख रहे थे, ये ब्रिज वाला पार्ट है, यहाँ से ही बहुत ब्यूटीफुल व्यू आता है और सारे बर्ड्स हैं यहाँ पर, आके आप फोटोज ले सकते हो, बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं फोटोशूट करने के लिए। साहब जो सोया हो ना मैं आने के बाद, क्योंकि रात को 1:30 बजे तक मैं एडिटिंग कर रहा था, सुबह वीडियो अपलोड किया आने के बाद, तो अभी जस्ट जा रहा हूँ मैं कहीं तो मॉल वॉल देखते कहाँ जाते हैं। जा रहा था भांडुप, रस्ते में दिख गया पंजाब सिंह, ये स्वरण पाजी का ही है, हम लोग रुक गए पनीर खाने, पावड़ी कर रहे, पावड़ी कजिन के बिल्डिंग में आया, यहाँ से भी हम लोग जा रहे आर सिटी मॉल। बहुत ही लंबे समय के बाद मॉल आया हूँ, मतलब ऑलमोस्ट नेक्सस मॉल तो आप लोगों ने देखा बहुत बार गया हूँ, लेकिन ये आरसीटी मॉल घाटकोपर का बहुत ही बड़ा मॉल है। जब मैं विक्रोली ऑफिस में काम करता तब मैं यहाँ आया था, उसके बाद अब यार इन लोगों के साथ वैलेंटाइंस डे मना रहा हूँ और क्या। गाइस टुडे इज द नेक्स्ट डे, बज रहे सुबह के 8:30, अभी बस निकल रहा हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि 9:30 बजे का मेरा ऑफिस है। कल रात को पावरी करके आए, पावड़ी करके आए, थोड़ा जल्दी निकलने वाला था पर डिले हो गया, नहीं तो अब तक पहुंच गया होता घर पे। सो आज के शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, अगर आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग और मेरे कजिन्स की थोड़ी मस्ती अच्छी लगी और फ्लेमिंगो वाली जगह अच्छी लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो,
पुराने हो लाइक और शेयर की बिना मत जाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे फिट स्टे सेफ।